तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सब लोग आए हैं जबलपुर के भंवरताल गार्डन घूमने के लिए। तो ये रही मेरी फ्रेंड, मेरी मम्मी, दीदी, आंटी जी, शुभी, हम लोग सब आए थे भंवरताल गार्डन घूमने। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है और फ्लावर्स कितने सारे हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फ्लावर थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग आते ही साथ लग गए थे सेल्फी में और फोटोज़ में, क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत सालों बाद आई हूँ। रहती तो मैं जबलपुर में हूँ लेकिन आना ज़्यादा हो नहीं पाता है ना। तो यहाँ मैं आंटी को कर रही थी एकदम फुल कैप्चर। तब देखिए ये रहे गेंदे के फूल, तो देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे हर कोई अपनी फैमिली के साथ या फिर पिकनिक मनाने या फिर नॉर्मली घूमने भी आता है, तो यहाँ भीड़ रही ही आती है। तो यहाँ मैं आंटी को चिढ़ा रही थी कि वो पॉपकॉर्न छुपा रही है, तो उनने पॉपकॉर्न और छुपा लिए। तो मैं यहाँ पे मैं उनकी मज़ा ले रही थी। और फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर चल पड़े। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे दो द्वारपाल हम लोग के स्वागत के लिए खड़े थे। तो जैसे ही मैं इसके साइड देखने लगी तो ये गुस्सा हो गई थी। फिर हमने इसके साथ भी देखा और इसके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और इसके साथ भी बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे मैंने एक दो पोज दिए और अपनी वीडियो निकलवा ली और फिर इसके साथ भी वीडियो निकलवाई। और उसके बाद हम लोग चल दिए आगे की ओर। फिर आंटी जी यहाँ कर रही थी साइकिलिंग, तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ, लेकिन फिर उतने में ये बच्ची आ गई और उसने कहा कि मुझे करनी है। तो फिर मैंने दूसरी मशीन पे जाके अपनी वीडियो बनवाई एंड देन उसके बाद फिर मैंने पहले वाली साइकिल में गई और वहाँ पे साइकिलिंग की। तो ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किया था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब मैंने ओपन जिम करी है लेकिन ये वाली अभी तक नहीं करी थी। यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, ओपन जिम भी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि मतलब एक बार देख के ही दिल खुश हो जाता है। मतलब इतना अच्छा लगता है, एकदम सब ग्रीन ग्रीन, इतने सारे फ्लावर्स, सब कुछ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर ये देखिए, ये है लिली के पेड़ और यहाँ गेंदे के पेड़ थे, तो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी। और यहाँ पे चल रही थी वीडियो, मतलब रील्स बनाई जा रही थी इंस्टा में। तो ये है हमारी प्यारी आंटी जी। फिर यहाँ से हम लोग चले गए रानी के पास और ये रानी जी बैठी थी एक हाथी के ऊपर। तो हम लोग उसको देखने जाने लगे और ये है मेरी प्यारी सी फ्रेंड प्रिया। और फिर वहाँ पे मेरी मम्मी बैठी थी, तो हम लोग यहाँ आ गए और ये बैठी है मेरी मम्मी। तो हम लोग यहाँ आ गए थे अब बाकी साइड का घूम के। और ये है रानी जी जो युद्ध के लिए एकदम तैयार है। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए आगे की ओर। फिर रात भी हो रही थी तो हम लोग घर जाने लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक था, फाउंटेन टाइप का बनाया गया था। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगता है जब लाइटिंग वगैरह और ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे, आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे मैं घर की ओर चल दी थी
और फिर उसके बाद मैं ऊपर चंदा मामा दिखाने लगी थी। तो आप लोग भी देख लीजिए आज का चंद्रमा। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए आगे की ओर। यहाँ सिटिंग एरिया था, मतलब सीढ़ी टाइप में बनाया गया था, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड और प्रिया दीदी आगे आगे चल रहे थे, तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी। उसके बाद हम लोग को स्केटिंग का ग्राउंड दिखा, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से स्केटिंग कर रहे थे, तो मैं उनको ही देख रही थी। आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी, आई लव माई जबलपुर। मैं बचपन से ही जबलपुर में रही हूँ, तो मुझे जबलपुर तो पसंद है ही। और आई विश जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी जबलपुर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे है आई लव जबलपुर की सीनरी। तो मैंने यहाँ खिंचवाई एक दो फोटो और आप लोगों को भी दिखाया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप किस सिटी से हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा जबलपुर। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ से घर जाने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि रात भी बहुत हो रही थी। तो यहाँ से हम लोग चल दिए थे घर के लिए, मतलब गार्डन से बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ हम लोग यहाँ से बाहर गए। उसके बाद हम सब ने कहा टाटा बाय बाय। तो हम लोग सब पार्टी मिलके गए थे। तो दोस्तों आज इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय, लव यू।